स्टार्ट। इस वारी पिछले सालां नालों ना केवल पंजाब विच बल्कि कुछ होरना राज्यां विच भी मुकाबलतन बहुत हड़ आए हैं। डंडी इन्हां हड़ां ने पंजाब विच सब तो वध नुकसान किया है। इत्थों तक के माल डंगर सब तबाह हो गए अते कई थावां ते पिंडां दी होंद ही मिट गई। डंडी पंजाब विच तकरीबन 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। डंडी पंजाब सरकार ने बेशक हड़ां दी मार हेठ आए लोगों की मदद लई बहुत इंतजाम किए सन, फिर भी कई इलाकों विच लोग घरां तो बाहर सड़कां ते ही बैठे रहे अते कुछ लोगों की रहायश का इंतजाम स्कूलों अते कालजां दियां बिल्डिंगां विच कीता गया। डंडी परा पंजाब सरकार ने इन्हां हड़ां दी मार हेठ आए लोगों की मदद लई हर तरह के यतन किए। इत्थों तक के फौजी अधिकारियां नाल तालमेल पैदा करके बेड़ियां मंगवाईयां गईयां तां जो जरूरत वाली थां ते जल्दी इमदाद पहुँचाई जा सके। डंडी सरकारी कर्मचारियां दियां छुट्टियां बंद कर दित्तियां गईयां। डंडी सरकार ने कोशिश कीती के लोकां दी नुकसान मुताबक सहायता कीती जाए। डंडी भावें इस तरह कीते जाण नाल उन्हां नूं नुकसान दा पूरा मुआवजा तां नहीं मिल सकिया पर कुछ को मदद जरूर हुई है। डंडी सरकार दा इह मंतव सी के ए उजड़े लोग अपने घरां विच मुड़ वस जान। रंडी परा सब तो पहला लोक सभा दे मैंबरां वल्लों ए आवाज़ उठाई गई कि इन्हां हड़ां तो बचण लई सरकार कोई पक्का हल लब्भे। डंडी लोक सभा दे कई मैंबर भारत सरकार दे नुमाइंदियां दे तौर ते आउंदे रहे अते अपनी रिपोर्ट सरकार नूं दिंदे रहे। डंडी इन्हां रिपोर्टां दे आधार ते सरकार ने कुछ स्कीमां उलीकियां के वड्डे वड्डे बन बनाए जाण तां जो किसे तरह इस कुदरती आफत दा टाकरा कीता जा सके। डंडी इन्हां स्कीमां नूं अंतिम रूप देण तो पहलां कई माहिरां दा सहयोग प्राप्त कीता गया। डंडी लोक सभा दे फैसले अनुसार हड़ां दी रोक लई भारत सरकार ने 700 करोड़ रुपए दी रकम रखी है। डंडी सरकार दी उक्त स्कीम दा मंतव ए है कि जनता नूं हड़ां दी मार तो बचाया जा सके। डंडी